कहीं नहीं झुका, सब जगह अपराध हो गया। गुरु चरणों में अपराध नहीं किए, गुरुदेव सब जगह से बचा लेंगे। सारे जगत में अपराध किए, भगवान के प्रति अपराध किए, धाम के प्रति अपराध किए, सब अपराध किए, पर गुरु अपराध जीवन में नहीं बना। गुरु शरणागत हो गए, गुरु सब अपराध का मार्जन करवा देंगे। और जीवन में गुरु अपराध हुआ तो सब मिलके भी नहीं बचा सकेंगे। ऐसा हम नहीं कह रहे, कुछ भी बात कोई अपने से नहीं बोलते, हर चीज के पीछे प्रमाण है। किसका प्रमाण है? अनेक प्रमाण है। सबसे प्रबल प्रमाण है हमारे सनातन गोस्वामी जी का। क्या कहते हैं सनातन गोस्वामी पाद? कृष्ण रुष्ट हईले गुरु राखी वारे पारे, गुरु रुष्ट हईले कृष्ण राखी वारे नारे, कृष्ण रुष्ट हईले गुरु राखी वारे पारे, गुरु रुष्ट हईले कृष्ण राखी वारे नारे। सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं श्री कृष्ण रुष्ट हो जाएंगे तो गुरुदेव रख सकते हैं, रख लेंगे, पर गुरु रुष्ट हो गए तो श्री कृष्ण नहीं रखते। आप कहीं भी देख लीजिएगा, जयंत ने कितना बड़ा अपराध किया, सीता जी को चौंच मारी ना, मांस नोच ले गया, लहूलुहान कर दिया उस जनक नंदिनी को, करुणामयी को, और राम जी नाराज तो होंगे, भक्ति का अपराध करेंगे, और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तीनों लोकों में कहीं उसको सहारा देने वाला कोई नहीं था, जयंत को सीताराम के चरणों में अपराध कर दिया। बताइए जयंत को शरण किसने दी? नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। ठाकुर के चरणों में अपराध करके भागा, किसने जगा दी? नारद जी ने। नारद माने गुरु तत्व, नारद माने संत तत्व। ऐसे जयंत के गुरु बृहस्पति जी हैं, नारद जी, लेकिन संत सबे गुरुदेव हैं। अनेक बार ऐसा भी प्रश्न भाई बहन करते हैं कि हमारी कहीं से दीक्षा हो गई है पर वहां से हमको सत्संग नहीं मिलता है, या गुरुदेव अंतर ध्यान हो गए, शरीर में नहीं रहे, या जो भी कारण है, तो अब हमको अपनी साधना आगे बढ़ाने का अवसर नहीं मिल रहा। तो सबसे सुंदर स्थिति तो यही होती है कि जो दीक्षा गुरु हो वही शिक्षा गुरु हो, ये तो सबसे उत्तम स्थिति है। लेकिन दीक्षा गुरुदेव लीला में प्रविष्ट हो गए हैं, या दीक्षा गुरुदेव से मिलना नहीं हो रहा, या जो भी कारण है, तो क्या करें? तो अन्य किसी सजातीय महापुरुष को शिक्षा गुरु के रूप में वरण कर लीजिए। रुकना नहीं है, ये जीवन तो छोड़ा है, पहुंचना है ना मंजिल पे। शिक्षा गुरु के रूप में, जिनसे पहले नाम मंत्र श्रवण किए, ठीक बात, लेकिन शिक्षा गुरु के रूप में किन्हीं अन्य संत का वरण कर लीजिए, और फिर उनकी छाया में, उनके दिशा निर्देश में गोविंद प्राप्ति की यात्रा को पूरा करिए। सुस्ती मत करिएगा, भटकना नहीं है, बैठना भी नहीं है, रुकना भी नहीं है, चलते रहना है। जीवन छोड़ा है, मेरे जीवन की शाम आए उससे पहले मेरे जीवन में शाम आ जाए, रुकना नहीं। तो रावण शिव को गुरु बनाता है, सबसे ऊंचे गुरु।